हमारा टॉपिक है वो है एरर हैंडलिंग फंक्शंस, और इसके अंदर हम दो तरीके के मैकेनिज्म देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था विजुअल बेसिक में कि एरर क्या होते हैं, एरर कितने टाइप के होते हैं, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और कंपाइल टाइम एरर। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हमारे सामने आती है एरर को हैंडल करने के लिए। पहली सिचुएशन ये है कि एरर अभी आई नहीं है, उसको कैसे रोका जाए, और दूसरी सिचुएशन ये है कि एरर आने के बाद उसे कैसे हैंडल किया जाए। ये दो सिचुएशन पे हमको बात करनी है। हमारा जो एरर को हटाने का जो पॉइंट है वो दो पॉइंट, जो बिंदु है वो दो पॉइंट पे निर्भर करता है। पहली सिचुएशन ये है कि एरर को आने से पहले ही रोक दिया जाए, और दूसरी सिचुएशन ये है कि एरर अगर आ गया है तो उसे कैसे रिकवर किया जाए। मैं जो दो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना होगा, तभी इन तीनों के कंसेप्ट को आपको समझ में आएगा। मेरा पहला पॉइंट ये है, हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है एरर के ऊपर। हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में एरर ना आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी प्रोग्राम में 0% एरर हो। 100% एफिशिएंसी देने वाला कोई भी सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है और ना होगा, क्योंकि फिजिकली आप कोई भी फिजिकल जो डिज़ास्टर है उसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका कंप्यूटर जब तक चलेगा तब तक लाइट गोल नहीं होगी, सर्वर फेल नहीं होगा, आपकी हार्ड डिस्क कभी क्रैश नहीं होगी, आपका हार्डवेयर कभी क्रैश नहीं होगा, कभी आपका बारिश के कारण नेटवर्क ख़राब नहीं होगा। तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब सब कुछ ठीक होने के बाद भी नेचर की वजह से, मतलब प्रकृति की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके वजह से कभी हार्डवेयर फेलियर, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी पावर फेलियर या किसी और भी प्रकार की फॉल्ट आ सकती है। 100% एरर फ्री आज तक कोई प्रोग्राम न बना है और न बन पाएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि हमारे प्रोग्राम में कम से कम एरर आए। पहला पॉइंट ये था कि कम से कम एरर आए, यानी कि एरर को आने से पहले रोक दिया जाए। तो वो था एरर को प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी कारण, रोकने के बावजूद भी किसी और कारण से एरर आ जाता है तो उसके बाद क्या किया जाए, ये है वो वाला पॉइंट। एरर हैंडलिंग, एरर को हमें हैंडल करना। पहला हमने प्रिवेंशन देखा कि एरर आए ही ना, दूसरा हम देख रहे हैं कि एरर आ जाता है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर है? तो अपने प्रोग्राम में अगर एरर आ जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारी टेक्निक है आज के एरर हैंडलिंग फंक्शन। हमारे पास कुछ फंक्शन बने हुए हैं, एरर आने के बाद हम उससे हैंडल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, मैं विजुअल बेसिक ओपन कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिवाइड बाई ज़ीरो वाला एग्जाम्पल, जिसमें ज़ीरो से डिवाइड करने पर एरर आ जा रहा था। तो हम इस तरीके से कैसे उसको वर्क करा के हैंडल कर सकते हैं देखते हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ ताकि मैं एरर को, डिवाइड का प्रोग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर, पहले इसमें मैंने लेवल पे लिखा है ए, दूसरे लेवल पे लिखा बी और तीसरे लेवल पे लिखा सी। पहले टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक किया, दूसरे को ब्लैंक किया और तीसरे को भी ब्लैंक किया। अब मैं यहाँ पर डिवाइड का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। डिवाइड का प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि एक एरर जनरेट हो सके, रन टाइम एरर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर और सी ए इक्वल टू वेल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, बी इक्वल टू वेल टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट और सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी टेक्स्ट थ्री डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सी। ये मेरा प्रोग्राम है डिवाइड करने का। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो इसमें रन टाइम एरर आ सकता है।
क्योंकि अगर मैं इसमें इनपुट दिया 6 और दूसरा दिया 3, तो डिवाइड में 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 दिया तो 3 आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 0 दे देता हूँ तो यहाँ पर एक रन टाइम एरर जनरेट हुआ है जिसका नाम है डिवीज़न बाय 0 या डिवाइड बाय 0, और इसका नंबर है 11। अब ये एरर आ गया है, इसके बाद इसको कैसे हैंडल करें, प्रोग्राम को रन करते करते ही इसको कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरर हैंडलिंग फंक्शन। एरर हैंडलिंग फंक्शन जो टॉपिक बोल रहा हूँ समझ में आया, एरर आने के बाद चलते चलते ही उसे हैंडल कर लिया जाए। इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एरर आता है तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, फिर उसको रोक करके सुधार के दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना होता है प्रोग्राम को। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एरर हैंडलिंग फंक्शन आप लगाएंगे तो प्रोग्राम चलता रहेगा, बीच में एरर आएगा और प्रोग्राम खुद ब खुद उसको रिकवर कर लेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर शुरू से स्टार्ट नहीं होगा, रीस्टार्ट नहीं होगा, बीच में ही एरर आया है तो उसको हैंडल करेगा और खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए देखते हैं कि हमें क्या कोड ऐड करना होगा। यहाँ पे डिबग में जाके देखने में पता चलेगा इस लाइन पर एरर है। तो पहला मैकेनिज्म तो है एकदम सिंपल है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये जो फंक्शन है या ये एरर हैंडलिंग फंक्शन जो है, आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को अपने प्रोसीजर की पहली लाइन पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पहली लाइन पर इस प्रोसीजर की पहली लाइन पर इस फंक्शन को पेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि इस कोड में अगर एरर आए तो उसे भूल जाओ और अगले एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाओ। एरर आने पर मैसेज दे करके क्रैश करने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट भी मत दो और अगले एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। क्लियर है? तो अभी मैं फ़िलहाल देखता हूँ कि बिना इसके अगर मैं रन कराता हूँ, और अगर मैं डेटा सही से दे रहा हूँ, 6 और 3 दे रहा हूँ तो आउटपुट आ रहा है, बट 6 और 0 दे दिया, 6 और 0 देने पर ये बीच में प्रोग्राम क्रैश हो गया, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक गया, एरर जनरेट हो गया। अब या तो प्रोग्राम बंद होगा या डिबग होगा। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो रुक गया है, प्रोग्राम क्रैश हो गया है। तो ये क्रैश ना हो और आगे बढ़ जाए, इसके लिए हम इस पहली लाइन पे क्या लिख देंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या होता है, ये ऐड करने से क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर 6 दिया और 3 दिया तो 2 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 और 0 दे देंगे तो डिवाइड पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है लेकिन एरर भी नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है बट एरर जनरेट नहीं कर रहा है, वो स्किप कर दे रहा है एरर को। इसका मतलब ही होता है ऑन एरर, जब भी एरर आएगा तो अगले एग्जीक्यूशन के लिए जंप कर दो, आप अगला एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो, यहाँ पर बीच में रोक करके मैसेज दे करके प्रोग्राम को क्रैश करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके से अगर आपके पास 3 लाइन लगी हुई है, कई लोग आ रहे हैं, बीच में एक आदमी ने एरर जनरेट किया, तो उसके साथ आपको बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है या दूसरे प्रोग्राम को अपने काम को रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको किनारे कर दो और आगे के लिए आगे बढ़ जाओ। ये इसका मैकेनिज्म है, कुछ नहीं करना होता है, केवल पहली लाइन पर आपको ये लिखना होता है। क्लियर है? तो इससे आउटपुट तो नहीं आएगा, आउटपुट भी नहीं आता, बट प्रोग्राम जो है क्रैश नहीं होता, बीच में अटकता नहीं है और आपको मैसेज नहीं देता, वो इस एग्जीक्यूशन को इग्नोर कर देता है। जैसे 10 लोग खड़े हैं, तीसरा पर्सन जो है आपसे बहसबाजी कर रहा है और आप किसी काउंटर पे हैं, तो तीसरे वाले को टोटली इग्नोर कर दीजिए, सीधा चौथे पांचवे छठवे पे जंप कर दीजिए। तो ये जो था वो एरर आने के बाद का जो मैकेनिज्म था, कि एरर जैसे ही आया उसको इस एग्जीक्यूशन ने हैंडल कर लिया। इसको अगर आपको इस तरीके से देखना है तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको रन करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे 6 और 2, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है देखेंगे। मैं व्यू में जाऊंगा, टूल बार में जाता हूं, डिबग में जाता हूं, एग्जीक्यूशन का स्टेप देखते हैं हम। मैं जैसे ही डिवाइड पे क्लिक करूंगा, यहां पर देखिए एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर अगला एग्जीक्यूशन, फिर अगला एग्जीक्यूशन, फिर अगला एग्जीक्यूशन, फिर अगला, फिर अगला, इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट 2 आ गया होगा, ये सॉरी 3 आ गया होगा, ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है।
अब अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो दे देता हूँ तब कैसे एग्जीक्यूशन होता है देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो दे देता हूँ तो एग्जीक्यूशन क्या होता है। अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट पे गया। अगला स्टेप, ए की वैल्यू जो है, देखिए अभी ए की वैल्यू आएगी इसमें, ए की वैल्यू उसमें से आई टेक्स्ट वन से, बी की वैल्यू टेक्स्ट टू से आई। अब इस लाइन पर एरर आने वाला है, ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 0 है, तो इस लाइन पर एरर आने वाला है। जैसे इस लाइन पर एरर आएगा तो क्या होता है देखते हैं। इसकी वैल्यू इसने 0 कर दी, इस लाइन पर एरर आया था लेकिन एरर जनरेट नहीं हुआ, लेकिन आउटपुट भी क्या हो गया, 0। आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट क्या हो गया, 0। और आप इस तरीके से देखेंगे कि एरर आने के बावजूद भी इस लाइन पर एरर आया बट उसको इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि आपने प्रोसीजर की पहली लाइन पर ही लिख दिया है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो एरर को इग्नोर कर दिया गया, टोटली उस एरर को इग्नोर कर दिया गया। क्लियर है, ये पहला मैकेनिज्म था ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अगला देखते हैं ऑन एरर गो टू लेबल। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एग्जीक्यूशन हो, उसको इग्नोर ना किया जाए, एरर तो जनरेट ना हो लेकिन उसको इग्नोर ना किया जाए, तो कुछ का कोडिंग कुछ इस तरीके से होगा, देखते हैं क्या है। इसी में हम लोग कोड करते हैं। मैं यहाँ पर पहली लाइन में हमें लिखना पड़ेगा ऑन एरर गो टू लेबल, पहली लाइन पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑन एरर गो टू लेबल, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो लेबल है ना, ये हम डिफाइन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक लेबल डिफाइन किया है ER, लेबल का नाम हम डिफाइन करेंगे। अब दूसरा मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं, वो है ऑन एरर गो टू लेबल, इसमें हमने लेबल का नाम डिफाइन किया है ER। तो मैंने पहली लाइन पे लिख दिया ऑन एरर गो टू ER। अब मेरा कोड क्या होगा देखते हैं। मुझे जिस लाइन पर कोड की संभावना, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ err डॉट नंबर इक्वल टू 0 देन, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये जो कोड है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। पहले ये कोड लिखा हुआ था सिर्फ, जिसमें एरर आ रहा था। अब मैंने क्या किया, उसको दो हिस्से में बांट दिया, इफ एल्स लगा दिया। अगर एरर नहीं आता है, अगर एरर नहीं आता है तो ये कोड रन होगा जो पहले नॉर्मल रन हो रहा था, और अगर एरर आता है तो ये कोड रन होगा। क्लियर है, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये आपको पता चले कि ये यूज़र डिफाइंड मैसेज है, ये पता चले कि ये यूज़र डिफाइंड मैसेज है, इसलिए मैंने पीछे ऐसा ऐड कर दिया है। क्लियर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दो हिस्से में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपको कोड देखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी एक रन टाइम एरर जनरेट होता है तो उसके साथ एक एरर नंबर जनरेट होता है, और वो नंबर यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड लिखा है इफ़ err नंबर इक्वल टू 0। अगर कोई एरर जनरेट नहीं होता, यानी बिना एरर का प्रोग्राम है, तो एरर नंबर 0 होता है। तो कोड में लिखा हुआ है इफ़ err नंबर इक्वल टू 0, अगर कोई भी एरर नहीं है तो सिंपल ये वाला कोड रन कर दीजिए। लेकिन अगर एरर है, अगर एरर का नंबर 0 नहीं है, 11 है, 9 है, 10 है, कुछ भी नंबर जनरेट हुआ है, तो ये वाला मैसेज जनरेट होगा। क्लियर है, इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और 2, ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, कोई एरर नहीं है, मतलब ये वाला कोड रन होगा, ये वाला कोड रन नहीं होगा। क्लियर, तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जो लेबल देते हैं ना उसको नीचे कहीं डिफाइन करना होता है, और कोलन लगा के डिफाइन करते हैं। क्लियर,
तो देखते हैं ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, नॉर्मल एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला कोड रन हुआ क्योंकि एरर नंबर जीरो था। लेकिन अगर मैं ये वाला एग्जीक्यूशन करता हूँ, यहाँ पर मैं जीरो दे देता हूँ, अब दोनों में एरर आने वाला है, तो अब ये वाला कोड रन होने वाला है, ये नॉर्मल कोड रन नहीं होगा। यहाँ पर आया कैलकुलेशन नॉट अलाउड बाय ईजीडीसी, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एरर तो नहीं आया, बट प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ और साथ ही साथ उसे हैंडल भी किया गया और आप यूज़र डिफाइंड आउटपुट भी दे दिए यहाँ पर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 3 तो आउटपुट आया 2, और अगर मैं लिखता हूँ 0 तो आउटपुट आएगा कैलकुलेशन नॉट अलाउड बाई PGDCA, क्योंकि ये इसमें एरर जनरेट हुआ है, इसलिए ये वाला कोड रन हुआ है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं, क्लियर है। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। मैंने नॉर्मली वैल्यू दी बिना एरर की 6 और 2, एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एरर का नंबर अभी फिलहाल क्या है, 0 है आपके पास। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ए में वैल्यू जा रही है, बी में वैल्यू जा रही है, सी में वैल्यू जा रही है, और मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ दी है यानी बिना एरर के है, यानी कि ये कैलकुलेशन होगी। तो आगे देखते हैं कैलकुलेशन कैसे हो रही है। कैलकुलेशन हुआ, सी की वैल्यू आई और उसे प्रिंट कर दिया गया। इस लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, डायरेक्ट यहाँ एंड इफ में आया है और फिर ये प्रिंट कर दिया गया। ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। अब देखते हैं कि एरर आने पर कैसा एग्जीक्यूशन होता है। अगर मैंने ज़ीरो दे दिया तो इस कंडीशन में एरर आएगा, तो मैं डिवाइड बाय ज़ीरो पे क्लिक कर रहा हूँ, डिवीज़न पे क्लिक कर रहा हूँ। अगली लाइन एग्जीक्यूट की, ऑन एरर गो टू ER, ER मतलब ये वाला ER जो है ये लेबल डिफाइन किया गया है। लेबल डिफाइन करने के लिए उसका कोई भी हम वेरिएबल का नाम लिख करके वहाँ पर, या वैलिड आइडेंटिफायर का नाम लिख करके कोलन लिख देते हैं। अगली लाइन जो है एरर नंबर, अभी तक कोई एरर नहीं आया है इसलिए वो अंदर जाएगा, फिर ए की वैल्यू असाइन होगी, बी की वैल्यू असाइन होगी। इस लाइन पर अब एरर आने वाला है क्योंकि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 0 है। इस लाइन पर एरर आने वाला है, आगे का एग्जीक्यूशन जो है ये वाला वो ब्रेक होगा। इसको अगले देखते हैं, ध्यान से देखिए। इस लाइन के बाद डायरेक्ट एरर आया इसलिए इसको छोड़ दिया गया, इस लाइन का एग्जीक्यूशन छोड़ दिया गया। यहाँ पर अगर 10 लाइन होती, यहाँ पर फिलहाल अभी एक ही लाइन है, इसके नीचे अगर 1000 लाइन भी होती तो पूरी 1000 लाइन को छोड़ दिया जाता और सीधा कहाँ पर जंप कर देते, जहाँ पर लेबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एरर गो टू लेबल। जैसे ही जिस लाइन पर एरर आएगा, मान लीजिए इस लाइन पर एरर आता है, तो उसके नीचे की सारी लाइनों को छोड़ दिया जाएगा और सीधा उस लाइन पर जंप किया जाएगा जहाँ पर ER नाम का लेबल मिलेगा। तो ER नाम का लेबल यहाँ पर है, तो सीधा यहाँ पर जंप हुआ और मैसेज में आएगा आपके ये। तो इस तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया है। अब मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। दो देने पर आपको जो आउटपुट है वो इस तरीके का आएगा। आप 6 देंगे तो 1 आएगा, लेकिन आप 0 देंगे तो डिवाइड बाय 0। ना तो एरर आया और ना ही इग्नोर किया गया, कुछ ना कुछ आउटपुट आया है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एरर आने की संभावना कम हो गई है। अब 0 देने पर भी एरर नहीं आएगा और यूज़र को एक मैसेज भी आ जाएगा कि कैलकुलेशन नॉट अलाउड, आपने 0 दिया है, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद नहीं हो रहा है, सेम उसी तरीके से है जैसा आपका, आप गाड़ी चला रहे हैं बीच में टायर पंचर हो जाता है तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, टायर को चेंज करना होता है और फिर से अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है, चलते चलते गाड़ी पंचर हुई और गाड़ी का जो टायर है उसने अपने आप को ही रिकवर कर लिया और जो पंचर है उसको फिल कर दिया उसने, तो गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, हालांकि प्रोग्राम में यह जो देखा है उसी के जैसे है। तो अभी आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।